फरीदाबाद के पंजाबी भवन में आज फीवा और मानसा ग्रुप की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पिछले दो वर्षों से होली मिलन के कार्यक्रम महामारी के चलते नहीं हो रहे थे। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने एक साथ होकर इस त्योहार का आनंद लिया और अपने भाईचारे को मजबूत किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार होली के रंगों के साथ साथ भगवा रंग भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इससे साफ जाहिर है कि लोगों को होली के रंगों के साथ साथ भगवा रंग भी अच्छा लग रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, इस बार जो ये फागुन का महीना है, इस बार फगवा और भगवा दोनों मिल गए हैं। भगवा 4 प्रदेशों में फहराया है और फागुन का वैसे ही है, फगवा का महीना है, तो दोनों मिलकर जलोगों में ज़्यादा उमंग है, उत्साह है और लोग, मैं कह रहा हूँ, इतनी खुशी है कि समा नहीं रहे हैं। तो आज ये खुशी और आनंद का समय है और हमारे प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट भाइयों ने ये होली का मिलन कार्यक्रम रखा है, उसमें मैं शरीक हुआ हूँ और हम सब मिलकर खुशियाँ बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवा भी मिल गया है फगवा में, तो दोनों मिलकर आज ये खुशी पूरा देश मना रहा है, तो और 4 चांद लग गए इस त्यौहार में। वहीं फीवा ग्रुप की ओर से किए गए होली मिलन समारोह के आयोजन पर आकाश गुप्ता ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की महामारी में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे और अपने लोगों से भी दूरी बनी हुई थी, पर अब कोरोना के बाद यह दूरी खत्म हो गई है, क्योंकि होली मिलन के जो कार्यक्रम शहर में हो रहे हैं, एक दूसरे से मेलजोल और अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण हम सब लोगों ने अपने को खोया है, काम भी खोया है अपना और अपने लोगों को भी खोया है। आज 2 वर्षों बाद फिर से कोरोना के अंदर कहीं ना कहीं बीमारी की कमी होने की वजह से आज होली का कार्यक्रम करने का हमें अवसर मिला है और आज हमारा पूरा फरीदाबाद के जितने भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, जितने भी प्रॉपर्टी के बिल्डर हैं, वो सारे एक छत के नीचे आकर सबके अपने सारे दिल से मन से खुशी से होली का कार्यक्रम इंजॉय कर रहे हैं। ये तो जीवन का सार है भाई साहब, जब भी कभी किसी चीज़ के अंदर कोई ऊंचाई होती है तो निचाई आती है, ये तो जीवन का सार है। जितने 2 सालों से लोगों को अपने घरों पर बैठना पड़ा, आज लोगों के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह है अपनों से मिलने का, अपनों के साथ खुशियाँ बांटने का। ये मौका बहुत ही अनमोल है और मैं भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो है इस बीमारी को हमसे दूर कराए और आज फिर से खुशियों के अंदर पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है।